तो अभी फमान के लिए डायरेक्ट करना भी स्मूथ हो गया है, लेकिन वंस वी आर ऑन द फील्ड तो फिर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे फमान नाराज भी एक दो बार मुझसे नाराज हुआ है शूट के बीच में, और मुझे पता भी नहीं लगा क्योंकि वो नाराज हो गया, तो वो अचानक से शूट रुका हुआ है तो मुझे पता नहीं लगा शूट क्यों रुका हुआ है, तो मुझे फिर मैंने अंदाजा लगाया ओह ही इज एंग्री विद मी। पहले सुम्बुल को हम सोच रहे थे कि सुम्बुल कर ले, उसके बाद सुम्बुल ने नहीं किया तो फिर हिबा को लिया, मैंने कोई दरार नहीं डाली यार, सुम्बुल बहुत प्यारी है और सुम्बुल से भी बीच में भी मेरी हाई हेलो हुई थी बातचीत, और सुम्बुल का मेरा कुछ है ही नहीं यार। लविश टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू सॉन्ग। थैंक यू सो मच। क्या कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा प्रोमो में कि आप एक्ट भी कर रहे हैं जी या हाँ, तो अभी काफी टाइम बाद फीचर हो रहा हूँ वीडियो में और बहुत अच्छा हुआ यार, ये तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्योंकि फामान ने डायरेक्ट किया और आउटडोर गए हम इस बार बहुत सारी लोकेशंस में, बहुत ब्यूटीफुल मेरे ही शहर में शूट किया हमने देहरादून मसूरी के बीच में पूरे जगह पे, और मज़ा आएगा लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। फामान जो है एक एक्टर है लेकिन वो इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं, आप सिंगर हैं आप एक्ट कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए और फामान के लिए, कितना चैलेंजिंग था? नहीं भी फामान थोड़ा, फामान को आई थिंक ही हैज़ डन ऑलमोस्ट 4 वीडियोस नाउ, 4 to 5 वीडियोस, तो अभी फमान के लिए डायरेक्ट करना भी स्मूथ हो गया है, और मेरे लिए एक्ट में पहले मैंने स्टार्ट ही किया था अपनी वीडियोस में फीचर होने से, तो वो मुझे कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आप गाना बनाते हो तो वो एक्सप्रेशन आपके अंदर रहते हैं जब आपने गाया होता है गाने को, बनाया होता है तो और क्या होता है, जब आप मुझे एज एन एक्टर तो प्रूव करना नहीं है कुछ, मुझे तो इन्जॉय करना है वीडियो को, तो उसमें फिर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है कि एज एन एक्टर कुछ नौ के नौ रस नहीं दिखाने हैं मुझे, बड़ा चिल फील वाला मामला होता है। ओके, फमान आपका बेस्ट फ्रेंड भी है और यू नो साथ में आप काम भी कर रहे हैं, तो कैसी बॉन्डिंग आप दोनों की सेट पे होती थी, कितना मस्ती मजाक आप लोग करते थे, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे? नहीं, ये तो मोस्टली सबसे ज़्यादा यही होता है, मस्ती मजाक तो हमारी घर में बहुत घर में रहती है, लेकिन वंस वी आर ऑन द फील्ड तो फिर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं चीज़ों को लेके, क्रिएटिव डिस्कशन होता है, बहुत गर्मा गर्मा ही सभी सारी चीज़ें होती हैं उसमें फिर, क्योंकि जब आप फील्ड पे हो तो आपके पास एक छोटा स्पैन ऑफ टाइम है जहाँ पे लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, और उस दौरान आपको सारी चीज़ें करनी है, तो बहुत सब कुछ सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कमाल का प्रोसेस होता है, बहुत मज़ा आता है कि आप नाराज, जैसे फमान नाराज़ भी एक दो बार मुझसे नाराज़ हुआ है शूट के बीच में, और मुझे पता भी नहीं लगा क्योंकि वो नाराज़ हो गया, तो वो अचानक से शूट रुका हुआ है तो मुझे पता नहीं लगा शूट क्यों रुका हुआ है, तो मुझे फिर मैंने अंदाजा लगाया ओह ही इज एंग्री विद मी, तो मैंने फटाफट जाके फमान को मनाया और फिर रोल हुआ। ओके, कोई बेस्ट फनी इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे इस शूट के दौरान का? फ़नी इंसिडेंट यार फ़नी ऐसे अचानक से तो याद नहीं आ रहा है मुझे कुछ, लेकिन हाँ फन रहता है जब हम दोनों होते हैं, वो भी बहुत, ही इज़ ऑल्सो वेरी जॉली फनी गाय, और मैं भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक में रहता हूँ, तो पूरे टाइम एनर्जी वैसी रहती है। फमान जिस सेट पे है वहाँ का आपने पहले भी देखा होगा कि वहाँ पे हमेशा वो बंदा सबको हंसा के रखता है, सबको खुश रखता है, तो वही उसका वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि सेट पे जो एनर्जी रहेगी वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाली और फन रहनी चाहिए, बाकी काम वाम तो हो जाएगा। एज अ डायरेक्टर उन्होंने आपको कोई शॉट में अगर गलत हुआ है तो डांटा है? नहीं नहीं, डांटने वाटने वाला इक्वेशन हमारे बीच में नहीं है, दोस्त हैं और कुछ गलत हो गया तो समझा देता है आके कि ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, तो बस इतना ही रहता है कि मस्ती मजाक में ही चीज़ें जाती हैं, बहुत सीरियस नहीं होता मामला। तविश, कमिंग ऑन द सॉन्ग, यू नो गाना लिखते समय दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है, और किस टाइप के गाना लिखना आप ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर गाना पसंद करते हैं? गाना लिखना मुझे सबसे एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने हिसाब से आएगा, वो जोन वाली बात है सारी ना, कि मैं जैसे ये पर्टिकुलरली इस गाने को लिखने के लिए मैंने बहुत टाइम लिया, क्योंकि जो जिस तरीके का मूड था, जिस तरीके की कॉम्पोजिशन थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने बहुत सारे ड्राफ्ट लिखे, डिलीट किए, लिखे, डिलीट किए, तो फिर एक मोमेंट, राइटिंग का एक कमाल का प्रोसेस यही है कि एक ऐसे करके मोमेंट आएगा और आप 2 मिनट में उस जोन में हो और आप पूरी चीज़ लिख दोगे और वो बिल्कुल एप्ट होगी, उसमें आप फिर चेंजेस भी नहीं कर सकते, लेकिन जब तक जोन नहीं आ रहा है आपका तब तक राइटिंग नहीं हो सकती, ऐसा मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इतने जो भी गाने मैंने लिखे हैं अभी तक। तविश, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ यू नो सॉन्ग किए, शूट्स किए, यू नो बीच में खबर ये आई थी कि सुम्बुल और फमान का गाना पहले आप ही लेकर आने वाले थे, बट फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद आपने हिबा के साथ यू नो सॉन्ग लाया था फमान का, तो वॉट एग्जैक्टली वो मतलब क्या फेस था, क्यों सुम्बुल को नहीं लिया आपने, ऐसा क्या चीज़ थी? सडनली चेंज हिबा को, यार हिबा मतलब कोई तो होना ही चाहिए, एक अगर रोमांटिक गाना है तो एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए,
तो पहले सुम्बुल को हम सोच रहे थे कि सुम्बुल कर ले, उसके बाद सुम्बुल ने नहीं किया तो फिर हिबा को लिया, क्योंकि एक लड़की, मैं लड़की बनने में बहुत टाइम चला जाता, मुझे क्लीन शेव और कपड़े वपड़े बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए हमने कहा चलो। और यू नो काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही फमान और सुम्बुल का सॉन्ग नहीं आ पाया था, ट्विटर पे फैंस ने इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी बवाल बनाया था, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका नाम जो है घसीटा जा रहा था। यार ये एक जब क्या होता है, जब थोड़ा थोड़ा इस तरीके की चीज़ें, जैसे मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम था ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी टाइप की चीज़ मेरे साथ कभी नहीं हुई, तो ये बहुत मेरे लिए तो लर्निंग वाला वो था कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ऐसा कुछ कि आपने कुछ गलत ना किसी का सोचा है ना किसी का किया है, उस टाइम पे जब आप अननेसेसरी खींचे जा रहे होते हो तो वो एक एग्ज़ाम की तरह होता है कि आपको काम रहना है, आपको अपने सही स्टैंड पे रहना है, आपको गलत चीज़ नहीं सोचनी है ना कुछ फालतू करना है, तो मेरे लिए लर्निंग वाला प्रोसेस था यार ये, और आई होप अच्छा सिखाया हो इस चीज़ ने मुझे। इवन सुम्बुल के पापा ने भी इंटरव्यू में ये कहा था कि आप ही की वजह से इन दोनों की दोस्ती में दरार आई है। ऐसा नहीं कहा होगा यार, एक न्यूज़ आर्टिकल में आया था ये चीज़, तो इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? मैंने कोई दरार नहीं डाली यार, सुम्बुल बहुत प्यारी है और सुम्बुल से भी बीच में भी मेरी हाई हेलो हुई थी बातचीत, और सुम्बुल का मेरा कुछ है ही नहीं यार, सुम्बुल के साथ कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, सुम्बुल बड़ी प्यारी लड़की है, उसका कुछ लेना देना नहीं है उस चीज़ से, जो था मैंने वो आई थिंक बता दिया था, क्योंकि फैंस जो थे वो जानना चाह रहे थे सब चीज़ के बारे में, और सुम्बुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुम्बुल के लिए बहुत प्यार है और उससे कभी कुछ हुआ ही नहीं है सुम्बुल के साथ। आने वाले टाइम में सुम्बुल के साथ हम आपका गाना देख सकते हैं? यार अगर सुम्बुल चाहेगी तो देख सकते हैं। ओके ओके, कमिंग बैक टू योर सॉन्ग, सॉन्ग के बारे में कुछ यू नो हिंट दे सकते हैं आप फैंस को, बिकॉज अभी सॉन्ग आने में टाइम है, ताकि फैंस का एक्साइटमेंट और बना रहे। इसमें वेदिका भंडारी फीचर कर रही हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा वाइब है वीडियो का, बहुत फ्रेश है, फहमान ने बहुत एफर्ट डाल के बहुत तरीके से बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया है वीडियो को, तो आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा आप लोगों को यार। लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को कहना चाहूँगा यार, आप लोग जितने भी लोग प्यार देते हो, जितना सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, ये हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं यार, तो ये आ रहा है आपका गाना है, इसको देखो इंजॉय करो। थैंक यू सो मच ताविश, एंड आई होप जल्दी आप एक और नया प्रोजेक्ट लेकर आए और हम आपका ऐसे ही इंटरव्यूज करते रहे। जी वो भी रेडी है, थैंक यू। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।